आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। आज हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसका सिलेबस, उस पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले जनरल पेपर ऑन टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि पेपर फर्स्ट है हमारा, उसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं, कैसे कैसे हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि फॉर्म आ गए हैं, आप लोगों ने आई होप फॉर्म फिल भी कर लिया होगा। तो सबसे पहले देखने वाली चीज़ होती है कि आप स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं फर्स्ट पेपर की। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, ये सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारे 4 ऑप्शन होंगे उसमें और कौन कौन सी चीज़ें हमें वहाँ पे पढ़नी है। सबसे पहले जो चीज़ हमारी यूनिट है उसको आप देखिए कि सबसे पहले हमारी जो यूनिट है फर्स्ट वाली, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है टीचिंग एप्टीट्यूड में। मेरे मोस्टली वीडियो टीचिंग एप्टीट्यूड पे बने हैं, क्योंकि पिछला जो टर्म था यूजीसी नेट का, उसमें मैंने मोस्टली जो वीडियोस बनाए थे वो टीचिंग एप्टीट्यूड पे ही बनाए थे, आप लोग देख भी सकते हैं। और बात करते हैं टीचिंग कॉन्सेप्ट की। टीचिंग कॉन्सेप्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस जो भी है, उससे हम पहले एक बात आपको बता दें, कुछ लोग पूछते हैं जो सिलेबस में लिखा है उसको तैयार कर लें क्या काफ़ी है। मैं कहूँगा नहीं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड हो या कोई भी एप्टीट्यूड हो, चाहे रिसर्च एप्टीट्यूड हो, आप जितना पढ़ेंगे उतना कम ही है। आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसके डीप में आपको उसकी नॉलेज करनी पड़ेगी, ठीक है। बात यह है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में जितना कुछ दिया हुआ है इससे बाहर भी आ सकता है, लेकिन जितना दिया हुआ है इतना ज़रूर तैयार कर लीजिए। और जो बाहर से इससे रिलेटेड चीज़ें और भी होती हैं वो आपको तैयार करनी ही करनी होती हैं, और क्वेश्चन जो होते हैं वो आसी पास के होते हैं, बस उनको थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है। खास बात ये है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है और भी अन्य चीज़ें हैं, सबको पढ़ने का तरीका अलग अलग है, सबकी अपनी एक क्वालिटी है। तो जो एप्टीट्यूड वाली चीज़ें होती हैं उसको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ता है आपको, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है हमारे और भी टाइप से, जो और भी एग्ज़ाम होते हैं जो कंपटीशन वाले, उनसे भी रिलेटेड है, लेकिन ये सारी चीज़ें और एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं होती हैं। तो प्रयास करिए कि आप जब टीचिंग एटीट्यूड तैयार करें तो थोड़ा सा अलग से तैयार करें। और ये इंग्लिश में है, और मेरा जो हिंदी वाला सिलेबस वाला है जिस पर मैंने चर्चा की थी, वो लास्ट टर्म पर मैंने किया था, उस पर तो वो हिंदी में था, तो मैंने सोचा इस बार हम इंग्लिश पर भी कर लेते हैं तो दो हो जाएंगे। अगर आप हिंदी में जाना चाहते हैं तो आप हिंदी भी देख सकते हैं, और उसमें मैंने PDF भी दे रखी जो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यहाँ भी मैं PDF दूंगा जो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो कितने होते हैं? मेमोरी, अंडरस्टैंड एंड रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, 3 लेवल होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत इजी हैं और ये आप पढ़ोगे तो आपको बहुत कठिन नहीं लगेगा। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडोलेसेंस एंड एडल्ट लर्नर, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, इंडिविजुअल डिफरेंस। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि एग्जैक्टली क्या पढ़ा जाए, कि यहाँ पर एडोलेसेंस की बात की जा रही है। एडोलेसेंस इसलिए यहाँ बात की जाती है, जो नेट का पेपर होता है वो उच्च शिक्षा के लिए होता है, यानी कि हायर एजुकेशन के लिए होता है। और एडोलेसेंस मतलब जब बच्चा किशोरावस्था में आ जाता है तो क्या होता है, वो उच्च शिक्षा के लिए तत्पर हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, कि भाई जो हायर एजुकेशन है वो हम तभी करते हैं जब हम एडोलेसेंस होते हैं, इसीलिए उनसे रिलेटेड बातें इसमें कही जा रही हैं। तो ये जो एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव है, हम लोग इतना ही पढ़ के मोस्टली छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है इसमें। मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने कई वीडियोस में भी बताया है, हम कॉग्निटिव के बारे में पढ़ के नहीं छोड़ेंगे, हम कॉग्निटिव से रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं वो भी पढ़नी पड़ेंगी। जैसे कॉग्निटिव थ्योरी दी थी जीन प्याजे ने भी दी थी, ब्रूनर ने भी दी थी, तो ये सारी थ्योरी आपको डीपली पढ़नी पड़ेगी। फिलहाल मैंने इस थ्योरी के बारे में अच्छे से बताया है, आप लोग पढ़िए। और उसके बाद सोशल की बात की गई है, सोशल, अब एडोलेसेंस का जो सोशल क्राइटेरिया होना चाहिए कैसा होना चाहिए, तो सोशल में ये नहीं है कि सामाजिक व्यवस्था की बात खाली आप कर लें, नहीं, सोशल में सोशल थ्योरीज जो भी टीचिंग से रिलेटेड हो, जैसे मान लीजिए वाइगोट्स्की ने क्या बताया, और मनोसामाजिक सिद्धांत जो एरिक्सन ने दिया था, साइकोमोटर थ्योरी जो भी दी, ये सारी थ्योरीज इसमें आ जाती हैं, और ऐसे ही इमोशनल और एकेडमिक तो हैं।
तो जीन पियाजे की थ्योरी जरूर पढ़िएगा इस लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्टर सपोर्ट मटेरियल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी लर्निंग एनवायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। इसमें थोड़ा सा लंबा है ये, थोड़ा सा थ्योरेटिकल मॉडल पड़ेगा आपको। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एक लर्नर के काम क्या होते हैं, एक टीचर के क्या काम होने चाहिए, कौन कौन से सपोर्ट मटेरियल्स होते हैं कॉलेज में, कहाँ कहाँ से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, इंस्टीट्यूट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। यहाँ पे हम बताते हैं मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूट एंड हायर लर्निंग, टीचर सेंटर्ड वर्सेज लर्नर सेंटर्ड मेथड, ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन। और इसमें तीन चीज़ें और पूछी गई हैं, स्वयं प्रभा, मूक्स और स्वयं। तो ये नया जोड़ा गया था, लास्ट टाइम पे भी था और लास्ट टाइम पे ही नया जोड़ा गया है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि आगे ये जो भी चीज़ें आ रही हैं ये पढ़ लीजिए, लेकिन इसकी जो डीप पॉइंट्स होते हैं उनको जरूर अलग से नोट कर लीजिए। सिर्फ ये नहीं कि स्वयं क्या होता है, बात खत्म हो गई, इसमें कब शुरू हुआ, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब हम चलते हैं आगे, अभी थोड़ा सा बात बचा हुआ है। बात करते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की, ट्रेडिशनल मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। आईसीटी पढ़ना है, आईसीटी बेस्ड कैसे हम टीचिंग सपोर्ट कर सकते हैं इसकी बात करी गई है। इवोल्यूशन सिस्टम की बात हो रही है, इवोल्यूशन की एलिमेंट्स एंड टाइप ऑफ एवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेपर में लगभग हर साल एक आ ही जाता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पे, इसको शॉर्टकट में कहते हैं सीबी, माफ कीजिएगा, सीबीसीएस, ठीक है, सीबीसीएस के बारे में पूछ जाता है। और हायर एजुकेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग इन्वॉल्वमेंट इन एन इवेल्युएशन सिस्टम, तो यहाँ पर आपको मूल्यांकन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है, ये भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की, जहाँ पे आपकी शिकायतें मेरे पास आ रही हैं कि आप एक ही दो वीडियो बना के छोड़ दिए हैं। ऐसा नहीं है, मैं वीडियो आपकी भी बनाऊंगा, लेकिन मेरा जो वीडियो था वो मतलब भर का था इस काम के लिए, लेकिन अब आप लोगों को एक ही दो लग रहे थे वीडियो, फिलहाल मैं आपकी अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा हर जितने भी रिसर्च हैं उन पे, उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो रिसर्च मीनिंग टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच इन रिसर्च, ठीक है। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या होती है, ये मैंने पिछली बार बताया था। मेथड्स ऑफ रिसर्च एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्टिव हिस्टोरिकल क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्या इतने ही टाइप के होते हैं? नहीं, और भी होते हैं, और आप क्या करते हैं, इतने ही पढ़ के छोड़ देते हैं कि भाई हमारे तो पांच हो गए, बात खत्म। जी नहीं, और भी आप पढ़िए, जितने हैं सारे पढ़िए, बस ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं इसको अच्छे से पढ़िए, ये मैं कहता हूँ, जो लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़िए, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी छोड़ दीजिए, भाई मेरे सिलेबस में तो इतना ही लिखा हुआ है। स्टेप ऑफ रिसर्च, कितने स्टेप होते हैं, ये मैंने बना वीडियो बनाया है इस पे। थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग, ये भी नहीं बनाया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हम। अप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, अब इसी तो बहुत छोटी सी बात हो गई कि आईसीटी में का जो काम है वो रिसर्च में क्या है, तो रिसर्च में हम काम करते हैं, रिसर्च को ढूंढते हैं कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट थिंग्स हमको मिल सकते हैं, वो सारे काम होते हैं। खैर, रिसर्च एथिक्स क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं शोध में नैतिकता, इसको हम कहेंगे, यहाँ पे लिखते नहीं बनेगा पीडीएफ फाइल पे। तो रिसर्च एथिक्स के बारे में हम बात करती है कि शोध नैतिकता कहते हैं, और आगे जो कंप्रिहेंशन है इसको कहते हैं, एक आपका सारांश जो आता है, एक छोटा सा एक पैसेज आएगा आपको मिलेगा, और वो पैसेज जो है वो मतलब भर का होगा, और उसी के बेस पे आपको आंसर देने होंगे, ठीक है। जो आंसर आप देंगे वो पांच होंगे, और पांच जो आंसर होंगे उसका कितना, मतलब एक क्वेश्चन बराबर दो नंबर, मतलब पांच क्वेश्चन बराबर 10 नंबर, ये फ्री का होता है, मैं तो ये कह रहा हूँ। अगर आप ध्यान से पैसेज पढ़ लो ना तो इतना आराम से ये नंबर आपको मिल जाएंगे, ये आपके लिए सपोर्टिव चीज़ है, इसको आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप तैयारी करो, नहीं, मुझे तो ये भी पढ़ना है, ये नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन पैसेज थोड़ा इस तरीके से होते हैं जो उसके डीप थिंक को बताते हैं, क्या उसके अंदर है, क्या हो सकता है, आपसे कहा जाए एक पैसेज में ये लिखा हो कि एक आदमी सत्य बोलता है, और प्रश्न जो प्रश्न है वहाँ पूछा जा रहा है कौन झूठ नहीं बोलता है, तो आपको यही बस अंतर दिखाना है कि उसमें लिखा था वो सच बोलता है, तो झूठ कौन नहीं बोलता है, मतलब जो सच बोलता है। इस तरीके से भी कभी कभी हमको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, मैंने खाली एक उदाहरण बताया आपको।
इसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन मीनिंग टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल और नॉन वर्बल वो कैसे होते हैं, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये भी थोड़ा सा ईजी है लेकिन इसके जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा डिफरेंट आ रहे हैं आजकल, इसलिए मैं ये कहूँगा कि सिर्फ सिलेबस पर मत रहिएगा, कम्युनिकेशन थोड़ा सा अलग से भी पढ़िए, क्योंकि कम्युनिकेशन जितना सिलेबस में दिया है इससे थोड़ा सा हटके ही पूछा जा रहा है। जो मैंने देखा है सिलेबस से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन जल्दी आजकल दिखाई नहीं दे रहा है। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करी जा रही है, कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो कम्युनिकेशन यानी कि संचार में बाधा उत्पन्न करती हैं। मास मीडिया कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मास मीडिया से रिलेटेड हैं, मतलब आजकल जो हम जिसको हम पत्रकारिता कहते हैं या हम जिसको मीडिया कहते हैं, न्यूज़ कहते हैं, वो कैसे और सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर की, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। पहले ये मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं थी, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड था, लेकिन अब ये मैथ से जुड़ गया, इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी जिन लोगों की मैथ थोड़ी सी गड़बड़ है। तो टाइप ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग जो है वो तो आती हैं, मैं रीजनिंग फिलहाल उसके मोड में नहीं जा रहा हूँ कि कौन कौन सी टाइप से आएंगी। नंबर सीरीज आपको पता ही है, मान लीजिए ऐसे पूछा एक है, फिर दो है, फिर चार है, फिर आठ है, फिर 16 है, तो अगला नंबर क्या होगा, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। लेटर सीरीज तो ABC उसमें होगा, कोड एंड रिलेशनशिप यानी कि रिलेशनशिप से भी संबंधित इसमें क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो परिवार वाले होते हैं कि ये इनके मौसा जी लगते हैं, इनके चाचा जी लगते हैं वगैरह वगैरह। तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में हम बात करते हैं फ्रैक्शन की, टाइम डिस्टेंस की यानी कि दूरी, समय वाले सवाल भी आएंगे, रेशियो यानी कि अनुपात वाले सवाल भी आएंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, प्रतिशतता और इंटरेस्ट यानी कि जो भी ब्याज वाले सवाल हैं वो भी इसमें आएंगे, एवरेज वाले भी आएंगे। तो अब आप सोचो कि बस इतने ही आएंगे क्या, नहीं, इससे भी हटके पूछा जा सकता है। जो कॉमन चीज़ें होती हैं मैथ में, बहुत हाई लेवल की नहीं, आपको बिल्कुल SSC की तैयारी नहीं करनी है, लेकिन जो लो लेवल में सब कुछ पूछा जाता है वो यहाँ भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, तो यहाँ पर तो पूरा पूरा, अच्छा आप लोग बताइएगा कमेंट करके आपको रीजनिंग से डर लगता है या नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता किसी को रीजनिंग से डर लगता होगा, अगर वो एक या दो बार रीजनिंग अच्छे से लगा ले तो रीजनिंग से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ लॉजिकल रीजनिंग को एक अच्छी सी कोई रीजनिंग की बुक ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस हमारी नहीं हो पा रही है। बाकी ये जो 5 सवाल होते हैं फ्री के, ये भी नंबर देते हैं, जैसे मैंने कॉम्प्रिहेंशन में बताया था सारांश में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ही लॉजिकल रीजनिंग भी आपको अच्छे नंबर दे सकती है अगर आप थोड़ा सा सीरियसली इसको देख लें। इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भाई ये कहाँ से आ गया, ये क्या है, तो इसको आप अपने दिमाग से आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की। डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आपको एक आंकड़े दे दिए जाएंगे, चाहे वो गोले में हो, चाहे वो एक चार्ट में हो, कि भाई इतने आदमी हैं, इतने पुरुष हैं, इतने परसेंटेज हैं। आप लोग देखते हैं इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन होते तो अच्छे हैं लेकिन इजी नहीं होते हैं, ये आपको आंसर तक तो पहुंचा देंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, और ये 5 नंबर भी कहीं नहीं जाएंगे, बस इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें परसेंटेज भी हो सकता है, इसमें रेशियो भी निकाल, अनुपात भी हो सकता है, तो आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो 5 नंबर ये भी पक्के हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं। आपने देखा भी होगा, जो भी अगर पहले आप पेपर दे चुके हैं तो आपने जो भी चार्ट हैं इसमें चार्ट से जब आंसर निकाला जाता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन सरल है। जब से मैंने देखा है कि ये जो जो IT बेस्ड हो गया है, मतलब कंप्यूटर CBT हो गया, कंप्यूटर बेस्ड पेपर आने लगे हैं, तब से ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन वाला सवाल है ना, इतना कठिन नहीं आता है। हो सकता है किसी को लगता हो, किसी को ना लगता हो, लेकिन एवरेज बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। बात करते हैं ICT की। ICT जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी। मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर भी है, तो मैं कंप्यूटर पे फिलहाल, मैंने जो पिछली बार मतलब भर के वीडियो मैंने पिछली बार भी बनाए थे और अब की जो बचे रह गए हैं उन पर भी बना देंगे। तो बेसिक ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव, हायर एजुकेशन एंड ICT एंड गवर्नेंस। इसमें बात बताई गई है 4 प्रकार की। मेरे पास एक कमेंट आया था, मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए थे बाइनरी नंबर पर, तो बाइनरी नंबर पर जो मैंने वीडियोज़ बनाए थे वो ये पूछा गया कि सिलेबस में नहीं दिया है तो क्या ये इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों ने पेपर दिया था वो बताएंगे, खुद बताएंगे कमेंट करके, क्या बाइनरी नंबर के क्वेश्चन उनके पिछली बार वाले पेपर में आए थे या नहीं आए थे। मैं बता रहा हूँ ये
इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो सिलेबस है ये आपको थोड़ा सा ये बता देता है कि कौन कौन सी चीज़ें आप पढ़िए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी भी चीज़ जो इंपॉर्टेंट आसपास दिख रही है उनको छोड़ दीजिए, नहीं तो लिखा ही नहीं हमारे सिलेबस में। तो बाइनरी नंबर मैंने इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि मैंने कई बार देखा है पेपरों में, जो नेट का पेपर होता है उसमें फर्स्ट पेपर में एक या दो सवाल बाइनरी से भी रिलेटेड हो जाते हैं। बाइनरी नंबर क्या होता है, कैसे होते हैं, वो सारे वीडियो में बना चुका हूँ, जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपको दो नंबर जरूर दे जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, बात करते हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में भाई? एनवायरनमेंट भाई कोशिश किया करो मत पढ़ा करो स्टार्टिंग में, जब लास्ट का टाइम आया करे ना, एक महीना बचा हो तब एनवायरनमेंट अपने अलार्म में लगा लो कि एनवायरनमेंट नहीं पढ़ेंगे अभी। क्योंकि होता क्या है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स, जैसे मान लीजिए कोई बैठक हो गई, कोई सबमिट हो गई, जैसे कि नीचे लिखा ही हुआ है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बन गया, या कोई पेरिस एग्रीमेंट हो गया, या सोलर अलायंस हो गया, मतलब सोलर समझौता सौर ऊर्जा से संबंधित, तो ये सारी चीज़ें जब हम देखेंगे तो क्या होगा, हो सकता है एक महीने बाद कुछ आ जाए और आप उसको छोड़ दो, नहीं, एक महीने का टाइम आराम से आप ले लीजिए और छोटे छोटे एक एक घंटे के इसमें देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। बाकी मैं पढ़ाऊँगा, बताऊँगा आपको कौन कौन सी पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने जो एनर्जी सोर्स से संबंधित है वीडियो बनाए हैं, वाइन सॉयल हाइड्रो जियोथर्मल बायोमास न्यूक्लियर फॉरेस्ट, कैसे कौन कौन से एनर्जी सोर्स होते हैं, कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं, मैंने सारे वीडियो बनाए हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे और कुछ लोगों ने नहीं देखे होंगे, तो ज़रूर देखिएगा। और फिर हम बात करेंगे जो बाकी, आज देखिए बात ये है कि हर चीज़ पढ़ लेना मेरे हिसाब से काम वाली चीज़ नहीं है, आप उतना पढ़िए जो आपके पेपर का लेवल कहता है। अब आप पढ़ने लगोगे कि छोटी सी चूट, जैसे आपने मान लीजिए पढ़ाई कर ली कि भाई सूरज निकलता है, नदियां बहती हैं, सब पर्यावरण, ऐसा नहीं पढ़ना है आपको, एक्ट पढ़ने हैं आपको, डीप थिंक पढ़नी है जो हमारे पेपर से रिलेटेड है। ठीक है, तो कोई कुछ भी पढ़ा रहा है और आप पढ़ रहे हो, ये आपके लिए नुकसान हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, पढ़ाई वो करी जाती है जो आपके काम की हो। सो आज से ये तैयारी कर लीजिए कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क कैसे होगा ये मैं भी बताऊंगा और आपको भी सोचना है। मैं हमेशा ये नहीं कहता हूँ कि मैं बताऊंगा और सब कुछ हो जाएगा, मेरा वाला पढ़ लो सब कुछ, अब आप तो मतलब 100 में 100 पा जाओगे, नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप अपने आप से मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये जो एनवायरमेंट है अभी छोड़ दो और बस नोट कर लो कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो मैं कराऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें पेपर में आ चुकी हैं, तो इस तरीके से तैयारी करनी है आपको। ठीक है, लास्ट में आता है हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन को जो उसके वीडियोस हैं या हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजिंग आ रही है ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। हायर एजुकेशन और जो टॉपिक यूनिट 1 था टीचर एप्टीट्यूड, ये थोड़ा सा मिलता जुलता है क्योंकि उसके भी कुछ टर्म्स जो हैं यहाँ पर मिल रहे हैं। जैसे आपको मैंने MOOCs के बारे में बताया था कि MOOC जो है आजकल ICT बेस्ड हो गया है, लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो क्या हायर एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है? है, तो आप उससे भी वहाँ पे उसको जोड़ सकते हो यूनिट 1 और यूनिट 10 को। यहाँ पे बताना है इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग एजुकेशन एंड एंशिएंट इंडिया, इस पर भी मैंने 2-3 वीडियो हैं कि आप हायर जो लर्निंग है एजुकेशन एंड एंशिएंट इंडिया में कौन कौन सी लर्निंग टाइप थे। कुछ लोगों ने पूछा है सर ये दर्शन की जो वीडियो है, जो मैंने फिलोसफी पे वीडियो बनाई, ये आएंगे कि नहीं आएंगे? अब समस्या क्या पैदा होती है कि यहाँ पर फिलॉसफी लिखी नहीं है, तो फिलॉसफी है यहाँ भी और आपको एक नंबर सॉरी 2 नंबर दे जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी उसके बारे में केयरिंग कर ली कि हाँ भाई ये हो सकता है, और तभी पढ़िए जब आपको लगता है वो आता है, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, दूसरी चीज़ पढ़िए। इवोल्यूशन हायर लर्निंग एंड रिसर्च एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है हायर लर्निंग में रिसर्च। ठीक, अब अभी सेकेंड यूनिट क्या था, रिसर्च एप्टीट्यूड था, यहाँ पर उसी चीज़ को फिर से बता दिया गया है कि हायर लर्निंग में रिसर्च या इवोल्यूशन कैसे हो गया, हायर लर्निंग में चेंजिंग कैसे आई, रिसर्च कैसे हुए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बतानी है। ओरिएंटल कॉन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, ये तो छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको देख लेंगे बाद में। प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल बेस्ड एजुकेशनल, मतलब कुल मिला के आपको कॉलेजेस के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, कौन कौन से कोर्स में क्या होता है, कौन कौन से कॉलेज कब खुले और किन्होंने अपने अपने बारे में बताया, यहाँ तक कि आपको ये भी पढ़ना है कि किस देश में
हमसे ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो रही है, या किसका जो एजुकेशन रेट है या एम्प्लॉयमेंट रेट है, ये सारी चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं। वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन है ना, ये ठीक है। पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट्स क्या है, और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, यहाँ पर आपको आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो हमारा केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय है उसमें कौन कौन से नियम बने हैं, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं हायर एजुकेशन के लिए, वो सब कुछ इसमें पूछा जाएगा। नीचे नोट लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर देगा, ध्यान रखिएगा, और 2 नंबर बहुत होते हैं, कभी कभी 1 नंबर कम पड़ जाता है, तो क्या बीतती है जिनके 1 नंबर कम हो उनको, उनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमारा जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं, मेरा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो हिंदी में भी देख सकते हैं ये वाला, और PDF भी उनको मिल जाएगी। और अब तैयारी शुरू कर दीजिए, हम आपको वीडियो देते रहेंगे और आप लोग जुड़े रहिएगा हमारी सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।